क्या कर्नाटक कांग्रेस पर मंडरा रहा है टूट का खतरा? आखिर कर्नाटक कांग्रेस में क्यों नहीं थम रही बगावत? कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार पर फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एक बार फिर कर्नाटक में राजनीतिक नाटक शुरू हो गया है। व्हिप जारी होने के बावजूद बजट सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस के 9 विधायक विधानसभा से नदारद रहे। इधर खबर है कि बीजेपी कुमारस्वामी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। जी हां, कर्नाटक में कांग्रेस के 9 विधायक व्हिप की अनदेखी करते हुए बजट सत्र के पहले दिन सदन की कार्रवाई में उपस्थित नहीं हुए। पार्टी सूत्रों की माने तो कांग्रेस के 9 विधायकों में वे 4 विधायक भी शामिल हैं जो 18 जनवरी को पार्टी के विधायक दल की बैठक में नहीं आए थे। इनमें रमेश जरकीहोली, महेश कुमतली, उमेश जी जाधव और बी नागेंद्र शामिल है। विधानसभा में नदारद रहने वाले विधायकों में जेएन गणेश भी शामिल हैं, जो हाल ही में एक रिसोर्ट में साथी विधायक के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के बाद से फरार घोषित हैं। दरअसल बीजेपी पर नए सिरे से कुमारस्वामी सरकार को अस्थिर करने के प्रयास करने के आरोपों के बीच सत्तारूढ़ जेडीएस कांग्रेस के सभी विधायकों को एक व्हिप जारी किया गया था, जिसमें उनसे बजट सत्र के सभी दिन विधानसभा में मौजूद रहने के लिए कहा गया था। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया ने विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने वाले विधायकों को दूसरा नोटिस भेजकर सफाई मांगी है। हालांकि विधायकों ने अभी इसका जवाब नहीं दिया है। ऐसे में चारों विधायकों के अब भी बीजेपी के संपर्क में होने और पार्टी छोड़ सकने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक कर्नाटक विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने के साथ ही बीजेपी ने एक बार फिर ऑपरेशन लोटस सक्रिय कर दिया है। बीजेपी के इस अभियान का केंद्र मुंबई का रेनेसा होटल बताया जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि उनके साथ जेडीएस के 3 विधायकों समेत कुल 14 विधायक हैं। हालांकि सरकार बनाने की बीजेपी अपनी चौथी कोशिश में कामयाब होती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।